राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में तीसरे ऑडिट दिवस समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नेतृत्व में सरकार के लेखा परीक्षा समुदाय ने सत्यनिष्ठा, शासन और प्रणाली निर्माण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लोग वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीएजी समेत देश के सभी महत्वपूर्ण संस्थानों और समुदायों को योगदान देना होगा। सेंट्रल फॉर डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स की स्थापना सहित अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिनमें भविष्य के अनुरूप डिजिटल टेक्नोलॉजी तथा अन्य आधुनिक पद्धतियों का उपयोग किया जा रहा है। भविष्य के प्रति ये सजगता उपयोगी सिद्ध हो कसौटी। मैं चाहूँगी कि ऑडिटर को आलोचक नहीं बल्कि सुशासन का सूत्रधार समझा जाए, ऐसा मार्गदर्शक समझा जाए जिसकी स्क्रूटिनी से सही राह पर चलने की सीख मिलती है। मुझे विश्वास है भारत की नई प्रतिष्ठा, नई आकांक्षाओं और नई लक्ष्यों के अनुरूप सीएडीजी की टीम सदैव तत्पर रहेगी तथा नैतिकतापूर्ण त्वरित विकास को बल प्रदान करेगी। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि लेखा परीक्षकों को सुशासन के सूत्राधार के रूप में माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें मार्गदर्शन माना जाना चाहिए जिनकी जांच पड़ताल हमें सही रास्ते पर चलना सिखाती है।